अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ईद करीब आ रही है, ईद की 3 हफ्तों में स्टार्ट हुई है। मेरे पास क्लिप्स थी पड़ी हुई उस दिन की, जिस दिन बहुत तेज़ बारिश हुई है। मुझे कोई और मिल नहीं रही थी, तो मैं इसके साथ अटैच कर देती हूँ। किचन में इतनी कुछ चाइया चल रही थी, पीछे बहुत शोर है, इसके लिए पहले ही सॉरी, क्योंकि छुट्टियाँ हो गई हैं बच्चों को और सारे बच्चे ननिहाल में रहने के लिए आए हुए हैं, तो वो पूरी हम तो हवेली में सारे बच्चे आगे पीछे घूम घाम रहे हैं। और कोई कूलर की आवाज़ें, इतनी कोई गर्मी है और एयर कूलर की आवाज़ें, किसी पंखे की आवाज़ें, तो वो है उसके लिए सॉरी। ठीक है, उस दिन ये हमको 3-4 दिन से बारिश बन रही थी, लेकिन बारिश उतर नहीं थी। उस दिन अल्हम्दुलिल्लाह उतरी, शुक्र अल्लाह का मौसम ठीक हो गया था। अभी भी मौसम थोड़ी हवा है, लेकिन हब्स बहुत ज़्यादा है और दिन के टाइम पर तो बाहर निकलने का दिल ही नहीं करता। ठीक है, अल्लाह करे ईद बारिश उधर हुई, हमारी घर नहीं गुजर जाए। आमीन आमीन। ये ऊपर हम बारिश के लगा इन्जॉय करने के लिए गए थे, तो हमने मानों का ये घर बनाया हुआ था, उसका छोटा सा मैंने क्लिप ऐड किया। उसके बाद नीचे तो बारिश आना स्टार्ट हो गई थी हल्की हल्की, उसके बाद अच्छी खासी तेज़ बारिश हुई है। मैंने कहा इसके ये क्लिप इसके अंदर ऐड की है मैंने, आप देख लो। चैनल पे न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर दे और सब्सक्राइब करके देखा करें प्लीज़। और ये देखे हमारे छोटे छोटे क्यूटू क्यूटू लियो, जीजो और लिंडा, ये जो है ना वो 3 न्यू बेबी हैं। मफिन गए हैं, अगले वाले बड़े अच्छे का ये न्यू आए हैं। ठीक है, ये हल्का हल्का ने चलना स्टार्ट किए, तो इनको दिन के अंदर लेके आती हैं अपने वाले रूम के अंदर, तो ये घूमते आगे पीछे, इतने क्यूट लगते हैं। इनकी पहली आँखें ब्लू थी, अब इनकी आंखें जो है ना वो हल्की हल्की ग्रे हो रही हैं, इतने को माशाल्लाह माशाल्लाह जो है ना वो आपने बोलने को नजर आने लगे। ठीक है, किचन में आए हुए थे ये टमाटर, मैंने कहा इनको धो के अच्छे से, तो मैंने अर्धों को ग्राइंड कर लिया। ये मेरे कैमरे का कुछ आया हुआ था, मैंने इसको वो उतारने के लिए उतारा, तो फिर मैंने दिखाया आपको। आधे मैंने इनको ग्राइंड करके बॉक्सेस के अंदर सेव किया, बच गए थे, मैंने इनको शॉपर पर रख दिया था क्योंकि और मेरे पास कोई बॉक्स था नहीं। और जो हाफ थे मैंने उनको इसमें से 2 पीस करके, मतलब एक टमाटर को 2 पीस किए मैंने, उनको शॉपर के अंदर ऐसे ही करके कढ़ाई वगैरह में वो इस्तेमाल हो जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे देखिए थोड़ा दरदरा, एक बहुत फाइन पेस्ट किया, एक दरदरा पेस्ट किया है वो है। ये लहसुन हमने कुछ सिला था, कुछ रह गया है, तो वो इसको बॉक्स के अंदर शीशे के जार के अंदर आप रख दिए, पेस्ट बना के रख लेंगे। ये देखें एक एक टमाटर को मैंने 2-2 पीस करके तो ऐसे रखेंगे, आप हांडी में डालेंगे आराम से, तो जब फ्रीज हुए तो आराम से ये छिलका उठ जाएगा, तो आप इसको ब्लेंड कर लेंगे। लहसुन को मैंने जो है ना वो ऐसे छोटे छोटे जार शीशे के हैं आपके पास, तो आप उसके अंदर ऐड कर लें। ठीक है, ये थी जी किचन की थोड़ी बहुत तैयारियाँ, और बाकी मसाले वगैरह जो है ना वो भी आएंगे, तो उनको पीस के रखेंगे। ये जी बेड गया हुआ था होने के लिए सही अब्बा का, तो वो आया वापस, उसकी जो है ना फिनिशिंग वगैरह, ये हमारी कमज़ोरी, बहुत बीमार हुई है, आपने प्लीज़ इसकी दवा करनी है, ठीक हो जाए। ठीक है, तो उसको जो है ना वो पेंट वगैरह किया है, तो वो कह रहा था असेंबल हमने खुद किया है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी, मतलब तक लिए अल्लाह हाफिज़।